तानाशाही, मानसिक विकृति के अफसर हो चाहे राजनेता हो, वो गलत तरीके के दबाव बनाते हैं और जिसके कारण लोगों के बहुत सी इससे भी बड़े बड़े अत्याचार, किसने देखा उसको फांसी पे लटकते हुए, किसी ने देखा क्या? फिर आपने सुसाइड का न्यूज चैनल, सुसाइड का उसका, मैं तो ये कहता हूँ उसको मार के टांग दिया आपने। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हो इस समय CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। भगवान सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं। और अभी हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि जोधपुर के अंदर किस तरीके से एक जवान ने अपने आप को सुसाइड किया है, आत्मदाह किया है। और वो खुशी से नहीं किया, कहीं ना कहीं दुख था। क्यों? ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं, जो बताया जाता है कि सेना के अंदर अफसरों की मनमानी, अफसरों का दबाव, अफसरों का प्रेशर और ज़बरदस्ती, मतलब उसको, उस जवान की जो है शादी थी, शादी में वो जाना चाह रहा था, अपनी शादी थी तो जाने जाएगा, लाजमी बात है। लेकिन अफसर उसको जब छुट्टी नहीं देगा, तब जो है उसने मजबूरन आकर के सुसाइड किया। इसी विषय पर बात करेंगे हम भगवान जी से। सर जय हिंद, जय भारत। सर मैं यहाँ पे, मैं राजस्थान कोटा से आता हूँ जी, जी। और मैं यहाँ पे धरने पे हूँ, वन रैक वन पेंशन के धरने पे। हमने भी यूट्यूब पे उस खबर को देखा और उससे मालूमात हुआ कि हमारे एक सैनिक ने सुसाइड कर लिया। ये हमारे देश के अफसर सा, उसकी यूनिट और देश की केंद्र सरकार बोल सकती है सुसाइड कर लिया, लेकिन हम लोग नहीं मानते कि उस सैनिक ने सुसाइड कर लिया। उसकी सुसाइड नहीं हुआ है, वो इस देश के तानाशाह, मानसिक विकृति के अफसरों और राजनेताओं की बलि चढ़ गया, शहीद हो गया। ये कहेंगे उन लोगों का सुसाइड कहना, वो भी गलत है। आप पूर्व सैनिक, हम लोग यहाँ धरने पे बैठे, हमारी ज्ञापन की कार्रवाई, हमारे पेंशन का क्या स्टेटस, क्या बेसिक रहा, उस जवान ने वहाँ पे सुसाइड कर। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर सैनिकों के साथ तानाशाही, मानसिक विकृति के अफसर हो चाहे राजनेता हो, वो गलत तरीके के दबाव बनाते हैं और जिसके कारण लोगों के बहुत सी इससे भी बड़े बड़े अत्याचार, किसने देखा उसको फांसी पे लटकते हुए, किसी ने देखा क्या? फिर आपने सुसाइड का न्यूज चैनल, सुसाइड का उसका, मैं तो ये कहता हूँ उसको मार के टांग दिया आपने। साबित करो कि उसने क्या क्या, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सबूत मिले हैं। हमारी सेना में अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं और हमारी सेना का अफसर अगर इस तरीके का तानाशाही या अत्याचार करता है, तो कभी किसी जवान ने इस 75 साल में कभी ये साबित हो पाया कि हाँ ये एक गुना तो वाकई में ही इन ऑफिसर साहों की लापरवाही से हुआ है? नहीं हुआ, उठा के देख लीजिए आप। तो इसका कारण यही है। और वीडियो में आपने क्या देखा, क्या बताया जा रहा है, क्या उसके ऊपर अफसर क्या मतलब प्रेशर कर रहे थे वीडियो में आपने देखा? उसको एक गेम के लिए कि गेम की लिस्ट में नाम डाल रहे हैं। अरे भाई, गेम की लिस्ट में क्या किसी गेम, कोई किसी लेवल का गेम की लिस्ट में उसका नाम आया है क्या? यूनिट लेवल पे हर 3 साल, हर 2 महीने बाद गेम होते रहते हैं। वो कोई प्रेशर ही नहीं होता है, वो तो उसकी हत्या की गई है। आप हत्या कैसे कह सकते हो? अरे भैया, मानसिक विकृति, अफसर साहों की तानाशाही। आज हम ही यहाँ पर धरने पे क्यों बैठे हैं? वीडियो की बात करेंगे पहले। वीडियो की बात थी तो हम भी पीड़ित हैं, तो क्या किया जाए? तो मेरा जो सवाल है वो ये आपसे कि जवान को क्या प्रेशर किया जा रहा था कि उसने सुसाइड? मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन मैं सेना में रहा हूँ तो मैंने उस सेना के अनुभव के हिसाब से होता है इस तरीके के हादसे, लेकिन कभी भी उन हादसों की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। अफसर करते हैं इस तरह से? करते हैं, होता है। एक जवान
आत्महत्या कर लेगा तो वो बॉर्डर ही छोड़ देगा। किसी जवान ने कोई बॉर्डर छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। वो तो सिर्फ शादी के लिए जाना चाह रहा था ना अपनी, मतलब उसमें वीडियो में तो शादी के लिए भी इतना कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, उसका ये कह देना कि मैं इस गेम में भाग नहीं लूंगा, उस द्वेष के अंदर उन्होंने उसको मार दिया। सुसाइड करेगा क्या एक सैनिक? कमाल का बता देते हैं, लोग मान लेते हैं। किसी ने देखा है क्या उसको अकेला? किसी कमरा होता है क्या एक सैनिक का? एक प्लाटून हवलदार का भी अकेला कमरा होता है क्या? बैरिक होती है, उस बैरिक में हमेशा आदमी मौजूद होता है। कहाँ पे लगाया है? और हमारे सैनिक भी दबाव में कभी भी न्याय हित में नहीं बोलते। उनको पता है तो भी वो अपनी नौकरी बचाना, नौकरी करने के लिए, पेंशन तक का इंतजार करने के लिए मुंह बंद रखेंगे। कोई भी आदमी नहीं बता पाएगा। आपने कितने वर्ष तक जो है सेना में अपनी सेवा दी है? सर, मैंने 8 साल सेवा की है। मैं डिसबल्ड हूँ, डिसबल्टी पेंशन आया हूँ। और सर, सेना के बारे में और चीज़ें सत्यता बताऊंगा, सैनिक का मनोबल गिरेगा। ये सत्यता है कि सुसाइड केस नहीं है। आपने अपने 8 साल के कार्यकाल के अंदर कभी ऐसा देखा कि अफसर जो है जबरदस्ती मनमानी या तानाशाह कर रहा हो? देखा है, देखा है। हाँ, क्या देखा है आपने? जवान की हत्या होते हुए भी देखा है। और मेरा इतना सा कहना, बड़े बड़े लोग जो भी इस वीडियो के इन शब्दों को सुनेगा वो अपना आप समझ जाएगा और चर्चा करना शुरू कर देगा कि उसने कहा सत्य है। नहीं, क्यों देखा, क्या देखा आपने? सत्य क्यों उसने मतलब हत्या की है अपनी? गलत तरीके के सजाएं देके, गलत तरीके के टाइमिंग में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जो नहीं करनी चाहिए इस गर्मी के अंदर। जो वो ट्रेनिंग में प्रोग्राम शामिल है उस प्रोग्राम के तहत अगर यहाँ पे गर्मी में अगर इस रोड पे भी अगर वो सजा दे दी जाती है तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उस तरीके की सजा दे के भी आदमी की मौत हो जाती है और करते हैं, मतलब जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हाँ, उसको फिर सुसाइड बता दो। ये सच्चाई है, मतलब कि जवान को सुसाइड ना करके उसका मर्डर किया जाएगा, उसके बाद सुसाइड का नाम दिया जाएगा। लगभग सभी केसों में ज्यादा यही है। अभी जो आपने वीडियो देखा था उसको भी देख के आपको यही लग रहा है? और मेरे सामने भी इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था। किस अफसर के टाइम पे हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ज्यादा बताने से लोगों को मिर्चे लग जाएगी, केंद्र सरकार को लग जाएगी, देश के जनरल को, सेना के जनरल को लग जाएगी, सेना के अफसर को लग जाएगी। लेकिन उस आपदा से उमेश चौहान, नाम बता रहा हूँ, सेम हुआ था और उसको फिर सुसाइड दिखाया था। जबकि सुसाइड नहीं था वो? जबकि वो सुसाइड नहीं था। क्यों, क्या ऐसा गलत उसके साथ? अब मैंने आपको नाम बता दिया। हमारी अगर हम सच्चाई भी बोलेंगे, कहीं पे भी खड़े होके बोलेंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे, तो भी हमारी कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि इस देश के अंदर अंग्रेजों के जाने के बाद में, अंग्रेज तो हमारी पेंशन में 75% का शेयर देके गए थे, हमारे देश के तानाशाहों ने उसको खाते खाते आज ये कंडीशन पे ले आए हैं कि हम देखो पूर्व सैनिक बैठे हैं धरने पे। अच्छा, एक चीज और बताओ, आप लोगों के साथ जो अंग्रेजों ने ज्यादा दुर्व्यवहार किया या जो अब सरकार है या जो अब अफसर हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं? मुझे तो अंग्रेजों के टाइम पे मैं नहीं था, लेकिन मेरे दादा और परदादा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और उस टाइम की फौजों में भी रहे हैं। उन लोगों के कहने के मुताबिक मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे परिवार के अंदर तीनों सेनाओं में, थल, जल और वायुसेना, तीनों सेनाओं में पूरा परिवार आज तक में कोई भी कहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, कोई और डिपार्टमेंट में नहीं है, इन्हीं में है। लेकिन अब हमारा भी इस तरीके की कार्रवाई है, इस तरीके का
हमारे प्रति देश की भावना, एक ऑफिसर की, एक राजनेता की, देश के प्रधानमंत्री की, इस तरीके की भावनाएं देखकर अब हमारा मन भी ये हो रहा है और हम भी अब हल्का जो है ना साइड होने लग गए।